हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से मेरी लाइव ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। कौन है लाइव में प्लीज कमेंट कीजिएगा। जय गुरु जी। वेलकम आंटी, नमस्ते, कैसी हैं? वेलकम, कैसी हैं आंटी? नमस्ते आंटी, तबीयत ठीक है आपकी? खाना हो गया? ईद मुबारक आंटी आपको। मैं अच्छी हूँ बेटा, थैंक यू आंटी, अच्छी ही रहे। और सुनाइए आंटी, खाना हो गया आपका? जी जी थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। और सुनाइए आंटी, घर में सब ठीक है? मैं आंटी आपको ज्वाइन कर लेती हूँ पता है, लेकिन कमेंट वगैरह मेरे नहीं जाते आपके पास। प्लीज फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। खाना अब होगा? अच्छा आंटी, और सुनाइए बन गया खाना आंटी?
प्लीज जो जो लाइव में प्लीज लाइक डन कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। कोई बात नहीं, मैं तो आपसे जुड़ी है बेटा जी, आप मुझसे जुड़ी हैं, मैं भी आपसे जुड़ी हूँ। बात यह है कि मैं आपके लाइव में कमेंट नहीं कर सकती, सिर्फ इतना है कि ना मैं आपके वीडियो में कमेंट कर सकती देख सकती हूँ सब कुछ आपको, लेकिन कर नहीं सकती, ऐसा कर दिया है। आंटी आप क्यों देती हैं किसी को ब्लू, मत दिया करिए ना, किसी को भी मत दीजिए। उस दिन आपने फर्स्ट टाइम दिया और मेरे बोलते जा रही थी, आप मेरी बात नहीं मानी और ऐसा हो गया कि वो बंदा जो भी था सब कुछ खत्म कर दिया। और सुनाइए आंटी। जी हाँ, आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा। कोई क्या है, क्या जिसको सपोर्ट करना है बिना ब्लू के भी करता है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि कोई ब्लू से सपोर्ट करेगा आपको, ये गलत बात होती है, फिर वो सपोर्ट के लिए नहीं आते हैं। कोई तो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, या फिर कोई आता है कि गलत काम करने के लिए आता है लाइव में, कि हम आके तमाशा करेंगे, किसी को ब्लॉक कर देंगे, मजे लेंगे, मजे लेते हैं ना लोग आजकल। मत कीजिएगा, मैं भी यही बोलती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अब ब्लू देना लेना आ गया है मुझे, अब किसी नई बंद नहीं दूंगी बेटा। हाँ आंटी, आपसे लेना आ गया है, लेकिन जैसे आप दे रही है ना, देने वाला अगर बिना मतलब, हम किसी पे भरोसा नहीं करते, भरोसे के लायक नहीं है देने वाला मतलब लेने वाला, तो वो तुरंत काम खत्म कर देगा। उसके बाद आप उससे ले लोगे या उसको ब्लॉक करोगे तो भी फंस जाओगे आप। मतलब जो आपकी लाइफ में रोज आता है, डेली आपका सपोर्ट करते हैं, उसको आप ब्लू दें, सबको नहीं दे सकती हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी। इमरान भाई ईद मुबारक आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को। नहीं आए इमरान भाई शिवाई खाने के लिए? ठीक है जी, हाँ आंटी बिल्कुल सही है, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगी। मैं उसी दिन भी बोल रही थी आंटी मत देना मत देना, मुझे भी नहीं, आपने मुझसे एक सवाल किया था बेटा मैं आपको भी दे दूं, तो मैंने बोला तुरंत से कि मत दीजिएगा मत दीजिएगा, लेकिन आप माइंड ही नहीं की और पता नहीं कैसे। और आप ये बोल रही थी कि आज ही मैं सोची हूँ सीखी हूँ ब्लू के बारे में, ठीक है मैं दे देती हूँ, और मैंने तुरंत से बोला था कि नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। और सुनाओ इमरान, इमरान कहाँ गए? शबनम खान ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। ओके थैंक यू सो मच।
प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता है, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक को लाइक डन ज़रूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक को लाइक डन कीजिएगा। इमरान भाई कहाँ गए आप? आंटी आपने लाइक डन कर दिया है? कौन कौन है लाइव में, प्लीज लाइक डन कीजिएगा। इमरान भाई कहाँ गए आप? हमसे खालू की इमरान भाई, खालू की इमरान भाई हमसे कहलू। मैं कह तो रही हूँ कि मेरे घर सिमाई खाने आओ इमरान। क्यों नहीं सुन रहे हो? जब से बोल रही मैं आपके सामने ही है दीदी। अच्छा मेरे सामने वो कमेंट नहीं आ रहा था ना, थोड़ा सा इमोजी सेंड करते रहा करो, कुछ भी बोलते रहो तो ना लग जाता है कि पर्सन बना है अभी। तो इमरान भाई लाइक डन कर दीजिएगा। और मैं बोल रही हूँ सिमाई खाने आओ, मैंने सिमाई बनाई है, सबने बहुत टेस्टी बोला है, सबने बोला बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। आप आ जाते खाने तो और अच्छा लगता, अपनी बहन के हाथों की सिमाई खाते। सही है कि नहीं बताओ ना? कमी है यारों की, ना कमी है बहनों की, बस एक दोस्त चाहिए आपके जैसा, वो वेट लाएगा जरूरों की, हजारों की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी लाइन के लिए, थैंक यू सो मच। इमरान ये वाली इमोजी नहीं भेजा करो, इमोजी यहाँ से आती है ना जो ये वाली, ये बड़ी बड़ी इमोजी, बड़ी बड़ी सी, ये यहाँ से इमोजी भेजा करो ठीक है ना, ये नीचे वाली। मैं कहाँ आऊँगा, ना जान ना पहचान दीदी। ऐसे क्यों बोलते हैं ना जान ना पहचान। अस्सलाम वालेकुम खाला, ईद मुबारक आप सभी को। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अली भाई कैसे हैं आप, और सब खैरियत है? कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती, जान पहचान बन जाती है इमरान भाई। है डेली रिंकिया के पास, वाह वाह बाय। क्यों अली भाई क्यों बाय? आपकी टोन ही ऐसी रहती ना, आओगे बोलोगे बाय फिर थोड़ा देर बाद, क्या हुआ खाला? अली भाई लाइक डन कीजिएगा। थैंक यू इमरान भाई, यस इमरान भाई ऐसे ही वाली, थैंक यू सो मच इमरान भाई, मोस्ट वेलकम अली भाई। मुझे पैकिंग करनी है खाना। किस चीज की पैकिंग करनी है आपको? पैकिंग किस चीज की करनी है? कहाँ जा रहे हैं आप, कहीं की रवानगी है क्या? लाइक डन खाला ओके। कहाँ जा रहे हैं, रवानगी है? खाना खा लिया है आपने? और सुनाओ इमरान भाई, शकील भाई, सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, सभी को ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से ईद मुबारक जी। कैसे हैं शकील भाई? हाँ हाय दीदी, मैं कहाँ आऊँगा ना, आपके ज़िले का नाम कि गांव का नाम बता। जब आओगे तो ज़िला भी बताएंगे, गांव भी बताएंगे, सब बताएंगे। क्यों बताओ? बाहर जाना है? अच्छा बाहर जाना है आपको, लाइट नंबर 4 डन। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शकील भाई। और खैरियत है आपकी? खाना हो गया आपका जी? कहाँ जा रहे हैं आप अली भाई? अस्सलाम वालेकुम सभी को, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अली भाई आज कहीं जा रहे हैं? मिश्वा अली भाई को सुबह पूछ रही थी ना, अली भाई कहाँ आए कि नहीं आए लाइव में, मेरी दोपहर में भी लाइव थी अली भाई, तो आप नहीं आए थे। मिसबा पूछ रही थी कि अली भाई नहीं आए हैं। शकील अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग से टिकटॉक है बाजी, ठीक ठाक हैं। अच्छा ठीक ठाक हैं आप लोग? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाइए शकील भाई, अब आपका बर्डन कम हो गया होगा है ना?
आपका काम अब ज्यादा नहीं होगा, तो बता दो मैं कब भी आऊंगा शाजिया जी को देखने के लिए। कॉमेडियन इमरान, कल जाना है। अच्छा, आपको कल जाना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं अली भाई, नहीं रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ बाजी, हमारा खाना पीना हो गया है, आप बिरयानी खाई होगी आज दवा के शकील भाई ने। आज तो शिमया खा खा के थक गए बाजी। अच्छा, शिमई खा खा के थक गए। हाँ मैं भी नहीं खाई भैया, मेरे से नहीं होता सिमई में। अली, आज तो अली भाई बहुत थक गया था, 10 बजे से सोया था, अभी उठा हूँ। अच्छा, थक गए थे आप? हाँ थक गए होंगे। दीदी साजिया जी को बुलाओ फोन करके। साजिया जी प्लीज, सुनाया सुन रही है मेरी लाइव? शाजिया सुन रही हो तो कमेंट करो, इमरान भाई पूछ रहे हैं शाजिया आपको। और सुनाइए शकील भाई, बीवी बच्चे सब ठीक है? शादी का सीजन चल रहा है बाजी, इस समय सीजन काम नहीं होता। हाँ, सही बोला, काम तो आपके पास बहुत होगा। हमको भी सिलाई सिखा दीजिए ना शकील भाई, अच्छी सिलाई करेंगे हम भी। कुछ कटिंग वटिंग कुछ खास होती है ना जो लेडीजों के लिए, वो बता दो हमको। थैंक यू मिसबा। मिसबा खाना खा ली सिस्टर? फोन कर लो, वो जान रही है मेरी लाइफ को। ये आ गई शादी, देख लो, याद कर रहे हो? बताओ अब शादिया को, खाला शादिया आपकी की शीस है ना? हाँ, मेरी सिस्टर है, वो मुझसे छोटी है। उस दिन आपने कमेंट किया था ना, वो कौन है वहाँ पे किचन में, खालू हैं? तो हाँ वो खालू थे, शाजिया के हस्बैंड थे। शाजिया सुन रहे हैं ना आप, अली भाई शाजिया के हस्बैंड थे वो। कल से सिलाई चालू करेंगे बाजी। अच्छा, कल से सिलाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी, कल से फिर मतलब काम आप लोग का स्टार्ट। साजिया जी हेलो, अभी है या छोटी है? बड़ी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है मुझसे। मलिक ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम ऑल, ईद मुबारक ऑल वाईटी फैमिली। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत, आपकी पूरी फैमिली को हमारे तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। और कैसे हैं मलिक भाई, खैरियत से हैं? साजिया हेलो, हाँ बाजी, हमारी बीबी बच्चे सब ठीक है, चलो अलहमदुल्ला अच्छा है। लाई का गला दबा दिया है आपके इस वर्ड से, बहुत हंसी आती है और आपकी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है लाइव वाली जो आपके लाइव में होती है। थैंक यू सो मच मलिक भाई गला दबाने के लिए। साजिया जी ईद मुबारक हो। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, साजिया खाला खैर मुबारक हो सिस्टर, जजाकल्ला, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, ठीक ही रहे सब कुछ। और सुनाए कैसी थी आपकी ईद मलिक भाई? और सुनाओ अली भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, साजिया पहुंच गई है। और सुनाइए मलिक भाई, बच्चे ठीक है आपके? 2 मंथ LP नहीं आऊंगा खाला। ओ माय गॉड, 2 मंथ के लिए जा रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं भाई? ऐसे ना बोले जी, अभी अभी खाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी खाया, आप बताएं आप खाए खाना? हाँ मैंने खा लिया है आज, मैंने भी खा लिया है जल्दी से जी। मेरे बच्चे ठीक हैं खाला? अच्छा आपके बच्चे ठीक हैं, चलो ठीक ही रहे आपका बच्चा, हम भी चाहते हैं वो ठीक रहे। अल्लाह अल्लाह करे मेरे बच्चे कहाँ से आ गए। हा, क्यों आपकी मैरिज नहीं हुई मलिक भाई? बुरा मत मानेगा, पूछ रही हूँ। मेरी अम्मी बनाई थी। अच्छा क्या बनाई थी तुमसे, किसने क्या पूछा? मेरी अम्मी बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम साजे अप्पी,
क्यों मलिक भाई, बच्चे नहीं हैं? मतलब मैरिज तो हो गई है? नहीं हुई है, मैरिज ही नहीं हुई मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आगे देंगे, हमारी दुआ है। आपकी अम्मी क्या बनाई थी मुझे भी बताओ। मेरी अम्मी क्या बनाई थी शादिया, बताओ। वालेकुम अस्सलाम मिसबा, वालेकुम अस्सलाम मिसबा। मलिक भाई से मैंने बोल दिया बच्चे ठीक है, उन्होंने बोला अल्लाह अल्लाह और इमोजी हंसने की भेज दी। ऐसा होता है सोचो। मुझे लगता है मैंने गलत पूछ लिया, बोल दिया मीन्स। कोई बात नहीं, प्लीज कमेंट करते रहिएगा, कुछ भी करिएगा लेकिन करिएगा, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग। प्लीज शिवई शेर खुरमा, और शेर खुरमा के अलावा बताओ, शेर खुरमा और भी तो बहुत कुछ बनी थी। साजिया सिस्टर खाना खा रही थी, टाइप नहीं कर रही थी। अच्छा, मशवा अली भाई आपको ईद मुबारक हो हमारी तरफ से। अली भाई पता नहीं कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, बोल रहे 2 महीने में लाइव नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। पूछ रही हूँ तो बताया नहीं, ऐसा मत सोचो आप। हाँ भाई, हाँ सही है, अभी नहीं खाई। बच्चों की अम्मी की अम्मी तो आए पहले। बच्चों की अम्मी, बच्चों की अम्मी की, बच्चे उसकी अम्मी की अम्मी, ये कहाँ होता है भाई? अम्मी तो आए पहले, अम्मी कहाँ आएगी? उनकी नानी को बुलाना है आपको? नानी नहीं आएंगी, उनकी अम्मी ही आएंगी। लास्ट दिन एलवी का, नहीं ऐसे नहीं बोलते अली भाई, बताया तो सारी चीजें। हाँ सही है, और अली भाई मुझे नहीं खिलाओगी साजिया जी? किधर जा रहे हैं आप अली भाई, बता नहीं रहे? और सब ठीक है अपना, बताओ। हाँ हमारा सब ठीक है, आप कुछ बात नहीं कर रहे, गुम गुम होके बात कर रहे हैं अली भाई। इंडिया से दूर, अच्छा समझ गई, इंडिया से दूर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं आप, है ना? मैं समझ गई, मुझसे एक बार आपने बताया था। जानो नानी आएगी तो बच्चों की अम्मी आएगी। हाँ। अच्छा आपके क्वेश्चन, जालिमो नानी आएगी जब तो उसकी अम्मी आएगी, कैसे कर रहे हैं? उसकी अम्मी कहीं ना कहीं होगी, ऐसे मत बोलिए, अभी उनकी अम्मी इतनी सी नहीं होगी। ठीक है भाई, अच्छा है। आप क्या बोल दिए भाई, मेरे दिमाग में चल रहा है, आप अपने हाथ से खिलाओगी मुझे? अच्छा मजे ले रहे हैं इमरान भाई आज शादी से, शबा खिला देगी? हाँ भाई मैं खिला दूंगी, 2 मंथ के बाद आऊंगा। इतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको? बच्चा किसके पास छोड़ के जा रहे हैं आप? आपका जो अंदाज है कमेंट पढ़ने का बाजी, माशाल्लाह लाजवाब है बाजी। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा जी को देखना था मुझे आज, अच्छा आयशा को देखना था, आयशा आई नहीं, और जब आयशा आई थी उस टाइम मेरी अलवी नहीं थी, मतलब स्टार्ट नहीं थी, तुम्हें पता है। फिर पता है लाइव करने के बाद मैं आयशा के घर गई थी मिसबा, थोड़ा देर के लिए गई थी। अभी तो दूर दूर नजर नहीं आ रही ना, नहीं आ रही नानी भी बच्चों की। ओहो नानी को मत ढूंढो प्लीज, नानी नहीं उनकी अम्मी ही चाहिए, समझे? मलिक भाई बहुत फनी हो, सच में बहुत फनी हो आप। और साजी आपकी को देखना है मुझे, साजी आपकी तो अपने रूटीन में आ गई, सिम्मी भी आ गई ऐसी। साजिया अप्पी की मैं क्लिप ली हूँ, नानी कहाँ गई थी ना तब उसकी क्लिप ली हूँ, देखना आज साजिया को 2 महीने के बाद, बेचारी थोड़ी सजी सबरी थी। और सुनाइए मलिक भाई, ढूंढिए ढूंढिए, ऐसे कर करके ढूंढना, बिल्कुल मिल जाएगी। शबा वाह मेरी दीदी है साजिया जी, आप तो मेरी वाह लगोगी।
मैं सबको बोल रही थी आज हम सबको लाइव में बैठा ऑफिस बा आ जाओ ना, मोस्ट वेलकम है, आओ, क्यों नहीं आ रही हो, आओ ना, खुद से आती नहीं हो, बताओगी मिसवा वेलकम, कैसे हैं आप, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, मिसबा मलिक भाई आपको ईद मुबारकबाद दे रहे हैं। मिसबा अली भाई हैं क्या आप, इमरान अली भाई, बहुत मजे ले रहे हो आप। शाजिया ने बोला था, लेकिन सच में रियल बोल रहा था शाजिया ने, कि आप हम सब लोगों को लाइव में बैठा दो, लेकिन मैंने बोला था आ जाओ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। सब ऐसे ही बताती है शाजिया। ईद मुबारक आपको भी भाई, मेरा कपड़े पैकिंग करा दो खाला। हाँ भाई, पास में होती थी जरूर करा देती, हर चीज़ करा देती मेरे भाई। झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकती ना मेरे अली भाई, आपको तो और नहीं दे सकती मेरे प्यारे भाई। यही बोलूंगी, अच्छे अच्छे जाओ, अच्छे अच्छे आना। बच्चों की अम्मी और वो नानी, वो नानी, वाह वाह, क्या फनी हो भाई, क्या फनी हो आपको। अच्छा शाजिया आपकी, हाँ जाइए फिर आप लाइव में, आओ शाजिया आओ, ठीक बोली हो, आओ, मैं भी चाहती हूँ। सब आपका करम है, अच्छा आपका ही करम है, अच्छा इमरान भाई, मैं ठीक हूँ। मलिक भाई आप बताएं, बहुत सारे कपड़े ले जाना है, 2 मंथ के लिए जा रहा हूँ। हाँ जाना, ले जाना तो पड़ेगा, आप उसी हिसाब से लेके जाइएगा जिस हिसाब से आपकी ज़रूरतें हों। वैसे आप तो अगर बहुत पहले से भी तैयारी करते रहे होगे, अगर जाना है कल आपको तो। ईद मुबारक शबा सिस्टर, वेलकम, नमस्ते वीनू भाई, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। कैसे हैं वीनू भाई, खैरियत है आपकी। वाह सलाम मिसबा, जिंदाबाद, खैर मुबारक, जजाकल्ला, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी भाई भाई ना बहुत फनी है, पता है मेरे लाइफ में जो आते हैं ना बहुत फनी भाई मुझे मिलते हैं, मुझे मैं रोऊं भी ना तो ये हंसा देते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू इमरान भाई, नमस्ते बीनू भाई, कैसे हैं। थैंक यू इमरान, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक भाई एक ईद मुबारक, बीनू भाई 2 मिनट रुकना बाजी, फोन आ रहा है। ओके 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 शकील भाई, ओके, मेरे साथ भी किसी को जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ वो तो है, तो आप वीज़ा वीज़ा बनाए, पासपोर्ट तैयार है जिसका जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री ऐसे नहीं जा सकते हैं। ईद मुबारक मिशबा, कैसी हो आप। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ठीक हूँ मीनू भाई, मैं ठीक हूँ सबा सिस्टर। ओके ओके, और वीनू भाई खाना हो गया आपका, आज आपकी छुट्टी भी होगी वीनू भाई, छुट्टी थी कि नहीं थी आपकी। मुझे कोई नहीं बोली इमरान, ईद मुबारक हो, क्यों नहीं बोला, सबने तो बोले हैं। मिश्मा आते ही बोली सबको ईद मुबारक, सबसे सलाम भी किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मलिक भाई ऐसे ही बोला करते ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हू अकबर, ऐसे आपके अंदाज है बोलने के, पता है मलिक भाई बहुत अच्छा बोलते हो। और क्या बोलोगे, जिंदाबाद जिंदाबाद सवा सिस्टर, जिंदाबाद। थैंक यू सवा सिस्टर, मेरा ऑपरेशन है खाला, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर देंगे अली भाई, आप अच्छे अच्छे जाए, अच्छे अच्छे आइएगा, यही चाहती हूँ बस, और अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू मस्पा, सर्जरी भी कराना है। हाँ, अल्लाह है आपके लिए भाई, यही बोलूँगी। नहीं दीदी कल ही आप बोले हैं, नहीं मैं बोली हूँ, लेकिन पूरे कमेंट देखो मिसबा ने बोला था, अगर मिसबा नहीं बोली हो तो इमरान भाई को बोल दो, हाँ सिस्टर आज ऑफ थी। हाँ बीनू भाई मैं शाम टाइम आई थी लाइव, करीब 3 साढ़े 3 4 के समथिंग है ना मिसबा, ऐसे कुछ था। हाँ आप नहीं आए थे, मिस की थी इंशाल्लाह। जब आप मिसबा आज मैंने देखा है तुम्हें, अमेरिका दूर है खाला, बहुत दूर है अमेरिका मेरे भाई, आपने बताया था ना, जैसे बोला मुझे दिमाग में तुरंत आ गया, कोई बात नहीं, कितना भी दूर है हमारा काम होना चाहिए बस, सही है कि गलत बताओ अली भाई। जजाक अल्लाह शमा सिस्टर, जिंदाबाद। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे, आमीन शुमा आमीन। सही बताइएगा,
मलिक भाई इसी अंदाज में आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताइएगा एक बार। ईद मुबारक अली भाई। वालेक वेलकम मेरे भाई, वेलकम हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ वो ऐसे पता है वो ना जिनका होगा ना नेम होता है उनका नाम लेके, जैसे मैं शबा हूँ ना सबा सिस्टर, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसे बोला करते हैं, बड़ा अच्छा अंदाज रहता है उनका। हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू विनु भाई। इमरान भाई ईद मुबारक आपको, वापस से देख लो दोबारा से बोल रही हैं। अच्छा शाजी आप भी माशाल्लाह, मुझे भी देखना है आपको शाजी आप भी। शाजी आप भी को ब्लॉग में देखोगी? मैं तुम्हारी आईडी बता दी हूँ बाकी, पता है मिशबा बता दूंगी, मैं बोल दी थी, मैं भी इतना चलाती तो हूँ नहीं, बाकी मैंने बोल दिया था कि मैं तुम्हें बता दूंगी। थैंक यू। मुझे अकेले जाना है, ये गलत है। हाँ गलत तो है, गलत तो है, लेकिन आप अकेले तो हो ही नहीं ना, किसी भी वक्त आप अकेले नहीं हो। आप हम बोल सकते हैं, कोई और बोल सकता है अकेले, आप नहीं बोल सकते आप अकेले हो। अच्छी लगती हो माशाल्लाह, शुक्रिया अली भाई। साजिया जी मेरा गेहूँ कटवाओ, मैं आपको समोसा खिलाऊंगा। वाह विनु भाई थैंक यू। अच्छा साजिया आप भी सिमी को खिला दो। सिमी मीन्स आयशा को खिला दो। और सुनाइए कौन कौन है लाइव में, प्लीज कमेंट करते रहिएगा, लाइक टर्न करिएगा। और सुनाइए विनु भाई, बच्चियां ठीक है आपकी? मतलब विनु भाई आज ऑफ थी तो फिर आप दिन भर सोए होंगे है ना, मुझे ऐसा लगता है। लाइक डन, थैंक यू सो मच। एक बात बताऊं, आज ना मेरे मोहल्ले में सब लोग सुन रहे हो, सब लोग सुनना, मेरे मोहल्ले में ना आज एक प्रोग्राम है, मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, ऐसा है कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों की अच्छी आवाज़ है, वाहवाही वाली आवाज़ है, कव्वाली वगैरह गाते हैं पढ़ते हैं, तो लड़के लड़कों का ना छोटा सा प्रोग्राम है, पिछले साल से स्टार्ट किया है हमारे मोहल्ले में। अगर मैं वहाँ पर गई तो मैं सोची हूँ मैं लाइव चला दूँगी, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट हो कव्वाली में और देखना हो हमारा थोड़ा बहुत हाल हवाला, तो फिर ज्वाइन कर लेना। मैं कुछ बोल लूँगी नहीं, कुछ नहीं करूँगी, सोची हूँ लाइव बस चलाऊँगी, ठीक है, जिसको ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा, अगर जाऊँगी तो, नहीं गई तो फिर मैं वीडियो का इंतज़ाम करूँगी कि मुझे वीडियो मिल जाए, या फिर मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखा दूँगी। थैंक यू सो मच मीनू भाई। नहीं मैं आपको खिलाऊंगा शाजिया जी। सिम्मी कौन है शबा दीदी? सिम्मी है आयशा, आयशा का नाम घर का सिम्मी, हम लोग सिम्मी बोलते हैं, हमारे मुँह से सिम्मी ही आता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी। बहादुर भाई आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बेशक बेशक मैं आऊँगा इंशाल्लाह कव्वाली में। जी बिल्कुल आएगा, पहले मैं तो जाऊँ। क्यों मलिक भाई, पहले मैं तो वहाँ पहुँचूँ फिर आप आइएगा, वेलकम है आपका। हाँ सबा सिस्टर, हाँ विनु भाई आप भी ज्वाइन करना सोते सोते, ठीक है, हम ज़रूर खाएंगे। हाँ 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 थैंक यू मिसबा। साझे आप भी हादरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिसबा। मेरा है प्लान, ये बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ हैं। मलिक भाई ये बताइए, जैसे मैं लाइव कव्वाली चलाऊंगी, जैसे कोई कव्वाली पढ़ रहा है लाइव, हर एक चीज़ रहेगा, तो कॉपीराइट ऑप्शन तो नहीं आया, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा मेरे पास, कॉपीराइट वगैरह जो भी होता है? मलिक भाई ज़रूर बताइएगा आप मुझे कि मैं वहाँ पे कव्वाली चलाऊंगी लाइव में, ये कव्वाली की आवाज़ मैं वीडियो में डालूंगी जो हो रहा है, तो मेरे में कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा ना? मलिक भाई आपसे क्वेश्चन है ना, ना पहले मैं आऊँगा, ठीक है आप ही आना, घर से लेके जाऊंगी आपको साथ में, ठीक है मलिक भाई? बहुत मजे लगाते हो मलिक भाई आप, क्यों नहीं आते मेरे लाइव में रोज, मुझे ऐसे हंसा दिया करो ना थोड़ी देर आके। वेलकम अप्पी डॉल। हाँ हाँ क्या क्या कव्वाली, कव्वाली का प्रोग्राम है आज हमारे मोहल्ले में, ईद स्पेशल, और बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है, हमारा छोटा सा गाँव, आप देखिएगा। वैसे हमारे गाँव में बहुत बड़ा उर्स होता है, मध्य प्रदेश का फेमस उर्स है, और वो शायद 11-12 मई को है, 11-12-13 या 10-11-12, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, वो तो बहुत बड़ा होता है, करीब लाख की तादाद में पब्लिक होती है वहाँ पे। आज ऑफ थी लेकिन बच्चे को लेकर गया था इसलिए। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी होती है अपने बच्चों को लेके जाओ ना, मैं आपका फ़ैन हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इमरान। साजिया हमारी सेटिंग करवा दो, साजिया करवा दो यार, इसकी सेटिंग कहाँ चली जाती पता नहीं।
नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा मलिक भाई बताइएगा, मलिक भाई मेरे टैग चैनल की इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन देते हैं, टैग चैनल है उनका, जिनको मलिक भाई से इन्फॉर्मेशन चाहिए है। मलिक भाई बहुत अच्छे हैं, मुझसे इंस्टा में भी जुड़े हुए हैं मलिक भाई, और मैं उनके लाइव डेली तो अटेंड नहीं कर पाती, काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, और जब मुझे मलिक भाई से कुछ पूछना होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ उनकी गैलरी में, और मैं पूछ के अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर लेती हूँ। लेकिन अली भाई अभी है, मलिक भाई अभी है ना इस वक्त, तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह पाक जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो हो जाता है। अगर कॉमन क्रिएटर होगा तो नहीं आता है, कॉमन क्रिएटर ही है, मतलब वो लोग खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ने में क्या होगा, खुद उन, लेकिन उन लोगों की म्यूजिक व्यूजिक जो उन लोग बजाएंगे वहाँ पे, जो भी कुछ किया जाएगा, इस वजह से बोल रही हूँ कि मतलब मुझे खुद भी कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाय आतिका, हाय शाजिया जी, अभी कर लो हमेशा सेटिंग। अच्छा आतिका, अस्सलाम वालेकुम, आज जब जब सलाम की तब तब चली गई, सुन ली आतिका, मिश्बा बोल रही, वालेकुम अस्सलाम। हाँ फिर नहीं आएगा। हाँ तो मैं आपको पहले एक बार समझा दूँ, बहाद्री भाई ऐसा है, मलिक भाई लगता है चले गए हैं, मलिक भाई अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। तो ये बोल रही थी बहाद्री भाई कि जैसे ना नहीं होता कि हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं आपस में बैठ के, और वहाँ पे साउंड वगैरह सब कुछ है, हर एक चीज़ है, साउंड की व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन वो खुद गाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी और से मतलब साउंड चला दिया हो, नहीं, उन्हीं की आवाज़ होगी, उन्हीं का हर एक चीज़ होगा, उन्हीं के साज सामान होंगे बजाने का, सब लोग वही काम करेंगे, तो मैं वो चीज़ में तो नहीं फंसूंगी ना, ये बोल रही हूँ। सॉरी मेरा नेट स्लो था, आप सॉरी मत बोलो। अच्छा, बताइएगा फात्री जी, मलिक भाई लगता है चले गए हैं, वो पहले ही चले गए थे, मेरा क्वेश्चन लेट हो गया है। ठीक है वीनू भाई, अम्मी अम्मी कैसी है, दीदी आपके घर के बगल में रहती है शाजिया? नहीं भाई, मेरी बहन है, मेरे घर में रहती है, एक रूम से दूसरे रूम में है, अभी हम लोग फिर नाइट हम लोग की यहीं पे स्टे होती है, इसी रूम में सोते हैं हम लोग, ये मेरा रूम है पर्सनल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सबा खान, बहुत दिन के बाद एंट्री हुई आपकी, कैसी हो मेरी प्यारी सिस्टर, खाना हुआ वीनू भाई? नहीं मेरा देख नहीं पाती थी मैं। अच्छा वो देख नहीं, सच में जैसे वो जाती थी ना तब तुम्हारा कॉमेंट आता था मिसबा, थैंक यू मिसबा। हाद्री भाई बताना मुझे ज़रा, कोई बात नहीं आतिका जी, वेलकम मीनू भाई, आतिका हाय। मुझे ना वैसे मलिक भाई से बहुत ज़्यादा मिल जाती है सपोर्ट, मलिक भाई एक अच्छे इंसान है। हाँ इस बार खाना हो गया है, ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपकी पूरी फैमिली को ईद मुबारक, कैसी हैं सिस्टर, खाना हो गया आपका? अच्छा वीनू भाई, और सुनाइए सबा सिस्टर, तो दिखाओ उनको प्लीज दीदी ना। अच्छा शाजिया को दिखाऊं, शाजिया मेरी अब पता नहीं कल तो नहीं आ पाएगा ब्लॉग, मुझे लगता है क्योंकि आज का दिन चला गया, मेरी एडिटिंग ही नहीं, वॉइस ओवर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अब देखो कल आता है नहीं आता, परसों इंशाल्लाह आएगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, आतिका बोल रही है आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, आपका खाना हो गया मिसबा, ईद मुबारक आतिका जी आपको भी। हाँ शाजिया क्या है ना, अपनी बेटी ली हुई होती है ना इमरान भाई, इसलिए मुझे रूम चेंज करना पड़ता है। आज बोल रही थी कि मेरी बेटी को लाइव में ले जाओ, आज बोल रही थी मुझसे कि मेरी बेटी को लाइव में ले जाओ ना शबा, ले जाना, वो ऐसे बेटी से बोल रही थी, बेटी जाएगी खाला की अलवी में, जाएगी बेटी, ऐसे कर रही थी भाई। हो गया खाना, थैंक यू विनू भाई, और कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए सबा सिस्टर, आप कैसी हैं, कहाँ थी, बिजी थी रमजान शरीफ में है ना? अली भाई गए क्या पैकिंग करने? हाँ वो गए होंगे, उनको ज़्यादा पैकिंग है, बहुत कुछ सोच, बहुत सोचना होगा उनको, बुला दो एक बार, दिखा दो दीदी उनको। ये बताओ शाजिया इतना ब्लॉग में मेरे रहती है, नहीं देखी हो क्या आप? मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है, कल या परसों, ईद वाला ब्लॉग जो आएगा ना इमरान भाई, उसमें आप देख लेना,
साजिया सुन रही हो? इमरान भाई बुला रहे हैं, वेलकम मिसबा। तो कहाँ गए थे वीनू भाई, बच्चों को लेके आ? शबा प्लीज लाइक डन कर दीजिएगा। साजिया जी आप आओ दीदी में लाइव में, साजिया आओ, आ जाओ साजिया। ये ड्रेस मिसबा बहुत अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आप पे शबाब पे, माशाल्लाह थैंक यू सो मच माशाल्लाह। अम्मी को लाइव में लाइए ना आज, अम्मी मेरी सो गई आज अम्मी बहुत सुबह से उठ गई थी ना शबा, बहुत सुबह से मेरी अम्मी उठ गई थी और थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, सो गई मेरी अम्मी। लाइक डॉन सिस्टर ओके वेलकम, मोस्ट वेलकम मिनी दी, ईद मुबारक। कैसी है मिनी दी आप, कैसी हो? हेलो मिनी दी। ओ हाँ सिस्टर, अम्मी मेरी सो गई ना तो नहीं ला सकती ना अम्मी को। कैसे हो मिनी दी, ब्लॉग तो देखती होगी ना मेरी अम्मी को? हाँ शबा सिस्टर, तो अम्मी को लो अम्मी को, अच्छा विनु भाई को भी देखना है मेरी अम्मी को, मेरी अम्मी ब्लॉग में है। मैं एक दिन अम्मी से ना शबा बोली थी जब मुझसे कि अम्मी को लाना लाइव में, तो मैं अम्मी से बोली थी, अम्मी लाइव बोली यार मुझे सब नहीं पता है तुम क्या बोलती हो, मैं बोली अम्मी बोल रहे हैं मुझसे कि अम्मी को लाइव में लाओ, मतलब जैसे मैं आके बैठती वैसे लाओ। पता नहीं अगर मेरी अम्मी ना वहाँ गई ना, हम लोग प्रोग्राम देखने की बात कर रहे हैं तो अम्मी को स्पेशली बुलाया गया है, अगर मेरी अम्मी गई तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी लाइव में, ठीक है? आप लोग दोबारा से अगर नोटिफिकेशन आपके पास आती है, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है अभी मैं जाऊंगी अगर, तो फिर मैं अपनी अम्मी को दिखा दूंगी अगर मेरी अम्मी गई वहाँ पे तो, ठीक है? आज मैं अपनी नानी को दिखाई हूँ मीनाक्षी जी। हेलो हेलो मिसबा कैसी हो? हाँ जी हाँ जी, हेलो इमरान भाई, विनू भाई कैसे हो आप? नमस्ते मीनाक्षी दीदी, ठीक हूँ मिनी दी आप बताइए। नमस्ते विनू भाई, ईद मुबारक मिनी दी। मैं ठीक हूँ मीनाक्षी दीदी। और कौन है मीनाक्षी जी, आपका खाना हो गया? मेरे इमरान भाई पूछ रहे हैं आपका खाना हो गया। ओके शबा खान बोल रही हैं, हाँ बहन मैंने आपको हाइट से निकाल दिया है मिसबा, आप कमेंट कर देना। ओके कमेंट करना मिसबा, और फिर अगर दूसरा मोबाइल हो तो चेक करना उससे, दूसरे मोबाइल से कि कमेंट उसमें शो हो रहा है कि नहीं, वीडियो में कमेंट एक बार करना। मैं तो अपना कमेंट चेक करती थी दीदी को करके। हाँ मियान भाई खाना हो गया, खाना हो गया मिनी सिस्टर, अच्छा ठीक है करती हूँ कमेंट। हाँ करना, लेकिन दूसरे मोबाइल से चेक करना होगा, ये है उसी मोबाइल से तो वो शो होगा। मलिक भाई आप आ गए, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे पूछना था, बहुत चीख चीख के बोल रही थी। मलिक भाई जवाब दे दीजिए, जैसे मेरे यहाँ पे ना अभी एक प्रोग्राम है कव्वाली का, तो वहाँ पे कव्वाली चलेगी, वो लोग खुद ही गाएंगे, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही उनके साथ सामान होंगे, साउंड उनका सब, उनकी आवाज़ साउंड में आएगी, तो मैं लाइव वहाँ पे चला दूंगी अगर कव्वाली में, तो उस जगह पे प्रोग्राम में मुझे कॉपीराइट तो नहीं आएगा? मलिक भाई ज़रूर बताइएगा। मीनाक्षी जी मेरा सेटिंग कराओ अब ब्लॉग रोज डाला करो ना दी। सिस्टर रोज ब्लॉग नहीं डाल पाती क्योंकि मुझे लाइव भी करना होता है और ना बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर हो जाता है, इसलिए ना नहीं कर पाती। कोशिश करूँगी, खाना बताना फिर कमेंट दिखा आपको या नहीं, ठीक है? हाँ तो एलबी में अभी बता सकती है, लेकिन एलबी में कैसे आप चेक कर सकती हो अभी, एलबी से मेरे चले जाना। मिसबा आप कॉमेंट करो मिनी दी के ब्लॉग में और बताओ यहाँ पे आके कि आपने कर दिया, फिर मिनी दी बैक होकर देखती हैं और फिर बताती हैं आया कि नहीं। इमरान भाई ठीक है मिनी दी, हाँ मिसबा अभी कर दो छोटा सा कमेंट। हाँ थैंक यू विनू भाई, थैंक यू आतिका, मैं जा रहा हूँ बाय। मैं मलिक भाई से जब क्वेश्चन करती हूँ तो मलिक भाई पता नहीं चले जाते हैं या समझ में नहीं आ रहा है मलिक भाई का। और सुनाइए सबा सिस्टर आपकी ईद कैसी थी सिस्टर? विनू भाई खाना हो गया आपका। हेलो दी कैसी हैं? पिंकी सिस्टर वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम, कल आप दोनों को लाइट ने सताया है ना, लाइट ने सताया था ना दोनों सिस्टर को, पिंकी सिस्टर को भी और सॉरी मिनी दी को भी है ना दी। अभी लोग कैसे, सभी लोग कैसे हो? ईद मुबारक आपको पिंकी सिस्टर, लाइक डन कर दीजिएगा पिंकी सिस्टर। अच्छा मिनी दी, हाँ मिसबा प्लीज़ मुझे मलिक भाई से एक क्वेश्चन था, मलिक भाई जानबूझ के चले जाते हो क्या?
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग क्यों बोले? गुड मॉर्निंग क्यों बोले इमरान भाई? हाँ मिनी दी लाइक डन. ओके थैंक यू. गुड नाइट. गुड नाइट अभी नहीं होगा, अभी तो मैं शेडिंग करवानी है. खाना हो गया सर? हाँ मैंने आज खा लिया है. और बताओ मिनी सिस्टर. इमरान भाई खाना हो गया आपका? कॉपीराइट आ सकता है सिस्टर, क्योंकि वो कव्वाली ऑन की अपनी ना होगी ना, वो कव्वाली किसी कव्वाल की होगी, इसलिए कॉपीराइट हो ही ना पाए बहन मसला होता है. अच्छा ठीक बता दिया आपने, बहुत सही कि मैं कब से चीख रही थी मलिक भाई बता दीजिए, मलिक भाई बता दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर ना ये खटक थी दिमाग में और मुझे लग रहा था काफ़ी लोग रहते हैं ना, तो ठीक है अगर मैं चलाऊंगी भी तो म्यूट कर दूंगी. जाऊंगी तो आप तो रहोगे ना मलिक भाई. हाँ बड़े कव्वाल की तो कव्वाली है, वो कोई अपनी तो पढ़ नहीं रहा. बिल्कुल सही बोला आपने. क्या खाया आपने इमरान भाई? बताओ इमरान भाई क्या खाया? मैं जा रहा हूँ सोने, कल मैं रात भर गेहूं काटता था. सच में उन्होंने बोला है, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, गेहूं काट रहा था कल रात में. मैं चांद रात नहीं मनाई है, गेहूं की कटाई की है. अच्छा सच में जा रहा, थक गए थे कल. कर दी कमेंट मिनी दी. अच्छा मीनाक्षी जी मेरा शर्टिंग करवा दो. सॉरी मैं खाना खा रहा था. अच्छा आप खाना खा रहे थे, मेरी आवाज़ आ रही थी आपको मलिक भाई. मैं इतना ज़्यादा वाली परेशान हो गई थी, मैं सोची मलिक भाई ने मुझे जवाब भी नहीं दिया, कब से चीख रही हूँ मैं. कोई बात नहीं मलिक भाई, हाँ आपने बता दिया, अच्छा लगा है. तो लाइव में भी कॉपीराइट आ जाता है इमरान भाई, लाइव में भी आ जाता है. इमरान भाई गेहूँ काट रहे थे? हाँ रात भर काटते हैं बोल रहे थे. रात में कटते हैं गेहूँ सिस्टर? बहुत प्यारी लग रही. थैंक यू सो मच पिंकी सिस्टर, थैंक यू सो मच. बिनु भाई कैसे हैं? माशाल्लाह सिस्टर. बिनु भाई कैसे हैं बताइएगा. मिनी दी आज सब अप्पी ने मुझे देखा. हाँ और मिसबा भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, छोटी सी थोड़ी सी गोल मोल सी है. इमरान भाई पहले बता देना, मैं आपको बुला लेती गेहूं काटने के लिए. लो अब मिली है, कल साजिया को ले जा रहे थे ना आप गेहूं कटाने. मीनाक्षी दी बहुत अच्छा गेहूं काटती है, क्यों नहीं बताए थे आप? हाँ हाँ सिस्टर आ जाते हैं कॉपीराइट. अच्छा हाँ मीनाक्षी जी मुझे पता है मिनी दी, जब भी मेरी कोई पेंच फंसती है ना तो मैं इमरान भाई से पूछती हूँ, और वो इमरान भाई सॉरी मलिक भाई से पूछती हूँ. मलिक भाई जो आपसे मैंने उस दिन पूछा था ना वो ब्लॉक वाला, कि कोई ब्लू लेने के बाद कैसे किसी को ब्लॉक कर देता है, तो वो मैं ना मिनी सिस्टर के लिए पूछ रही थी. मिनी सिस्टर ना ऐसा था कि ना मिनी सिस्टर के लाइव में कोई आके कर दिया था ऐसा, तो मिनी दीदी मैंने इन्हीं से पूछा था, इनका टैग चैनल है. हाँ मीनाक्षी दी आ गए कमेंट मिसबा. अच्छा मतलब हट गई है वो, मेरी लाइव में आ गया था. तो फिर लाइव में अगर कॉपीराइट आता है तो फिर वो हट गया था, आपने कुछ किया कि वो अभी तक पड़ा हुआ है? पिंकी सिस्टर अच्छी बात है. अच्छा हाइड अब करना. हाँ बीनू भाई थैंक यू. शबा देख रही हो मुझे? शबा ठीक है मीनाक्षी जी. इमरान भाई मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते आप बताओ? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मिनी दी गुस्से से पूछ रही हैं, बताओ. थैंक यू मिस मां. नहीं वो लाइव प्राइवेट थी तो मैंने डिलीट कर दी थी. अच्छा डिलीट करने में भी तो बहुत मसला होता है, ज़्यादा लाइव पे सतर्क स्ट्राइक मिलती है आता है, जो लोग ड्रामे लाइव करते हैं ऑन को आता है. अच्छा अच्छा अच्छा
तो ये बताइए मलिक भाई, लाइव में या किसी चीज में भी अगर कॉपीराइट आता है तो कॉपीराइट हटाने का भी मसला होता है, मतलब उसका रास्ता होता है ना, जरिया होता है कॉपीराइट हटाने का, कि हम हटा सकते हैं कॉपीराइट ऐसा भी? और कॉपीराइट अगर है तो चैनल मोनो हो जाएगा इजली हमारा, ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का चैनल मोनो होने वाला है। मैं आपके सब्सक्राइब किया हूँ, मैं आपको फिर ऑन मंथ, फिर 1 मंथ आराम करूँगी। अच्छा मिसबा क्यों आराम करूँगी, मैं पढ़ नहीं पाई मिसबा। नो टेंशन, हाइड हो जाओगी तो आराम कर लेना। अच्छा इसलिए बोली हो, मैं आपको कैसे नहीं करूँगा सपोर्ट, मैं आपका वीडियो पे कमेंट कर दिया हूँ। अच्छा, हाँ विनी दी, थैंक यू विनी भाई, थैंक यू सो मच। मलिक भाई थोड़ा सा बताइएगा, सिस्टम डिलीट करने से भी मसला होता है? हाँ, कॉपीराइट हट जाता है। मैंने वीडियो बनाई है मेरी चैनल पे ही, किसे हटाए कॉपीराइट? हाँ हम देख लेंगे, बाकी आप हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं, जिंदाबाद। मलिक भाई बोलेंगे शबा सिस्टर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी हमको आपका सपोर्ट है ना भाई, हमको बहुत अच्छा लगता है, ये लग जाता है हाँ कोई भाई है हमारा, हमारे बड़े भाई हैं जो हमको समझा सकते हैं, सही गाइड कर सकते हैं। चैनल पर कॉपीराइट हो तो मोनो नहीं होगा कभी भी। अच्छा ना हो मालिक करे। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जस्ट वीडियो डाली और तुरंत इस बहुत अच्छे तुरंत कॉपीराइट लिख गया है, मैंने शुरुआत थी मेरी, मैंने तुरंत वीडियो डिलीट कर दी, फिर उसकी तुरंत एडिटिंग की, फिर से तुरंत वीडियो, फिर तुरंत से वीडियो डाल दी, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर ये सब हो गया था। अच्छा चैनल पर भी कॉपीराइट आ जाता है? हाँ आता है हर चीज में, वीडियो में आता है, सब में आता है, मैंने सोचा लाइव में नहीं आता होगा, लाइव में लोग कुछ भी दिखाते रहते हैं, लेकिन नहीं लाइव में भी होता है। कोई नहीं मदद कर दो, मेरी कोई नहीं मदद करता है कि मेरी सेटिंग करवा दो। अच्छा आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, शाबाश सिस्टर, मुझे दे दो। पहनोगी पहनोगी तो जरूर दे दूंगी, पहनोगी? पहनना है बताओ, पहनोगी ना? दे दूंगी, इससे अच्छा दे दूंगी, बताओ। शबा उनकी सेटिंग करवाओ। हाँ भाई किससे करवाओ, मलिक भाई से करवा दो क्या, वो नानी ढूंढ रहे हैं। मलिक भाई सेटिंग बनवानी है आपको, बताओ, मेरे एक भाई हैं, आपकी सेटिंग बनवा दे रही हूँ। माशाल्लाह। पता नहीं, हाँ आप में है क्या पिंकी सिस्टर कॉपीराइट, अभी पड़ा हुआ है? पहन लूंगी सिस्टर, जैसे एक बार आया और हमने वीडियो डिलीट कर दी मलिक भाई, तो वो कॉपीराइट भी हट जाता है ना, मेरे में सो तो नहीं हो रहा, तो उसका कोई मसला तो नहीं होगा। हाँ मलिक भाई आपसे एक बात ये पूछनी थी, जैसे मैं शॉर्ट वीडियो, आपने मुझे बोला भी था और मिनी तीनी बोला कि आप मत डाला करो, तो मैं नहीं डालती, अल्लाह हाफिज का, अल्लाह अल्लाह, हाँ आपके अल्फाज भी रहते हैं। मलिक भाई मेरी बात सुनना आप, मलिक भाई जैसे मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना, तो फिर किसी की वॉइस में तो हमने डाल दिया, तो मेरे पास ना काफ़ी मतलब यूट्यूब की तरफ से मेल आ रही है कि आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसकी वॉइस जो ओरिजिनल थी, जिसकी वो वीडियो थी, उन्होंने अपनी वॉइस वीडियो डिलीट कर दी, उनकी वॉइस हट गई है, तो आपका वीडियो म्यूट फॉर्म में है अब, तो हम आपके वीडियो को चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, ये वीडियो आपका ना रहे, नहीं तो यूट्यूब डिलीट कर देगा। और डेली यूट्यूब मुझे मतलब जब भी मेल आती है तो टाइमिंग देता है कुछ दिन की, और फिर वो शांत हो जाता है, वो वीडियो भी डिलीट नहीं करता और मैं भी नहीं करती हूँ, पता भी नहीं चलता मलिक भाई कि वो कौन सा वीडियो है। तो ऐसे ना फिर मैंने पहले माई माइंड नहीं की, फिर मैंने एक दिन चैनल चेक किया, सारी वीडियोस देखी, उसमें 2-3 में ऐसे रहता है ना कि म्यूट वाला ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ये होता है उन्होंने अपनी वॉइस हटा दी है, लेकिन उसमें वॉइस चल रही है, उसमें वॉइस चल रही, कोई और उस वीडियो से कोई अब वीडियो नहीं बना सकता। तो मलिक भाई मुझे क्या करना होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस चीज़ में मुझे? सच जी मैं आपके बिना मर जाऊंगा। नहीं अब नहीं है। अच्छा अल्लाह अल्लाह करे, थैंक यू, मैं दी ढूंढी मेरी प्यारी,
मैं शिल दूंगी मेरी प्यारी मिसबा। अच्छा मिनी दी, थैंक यू विनू भाई। राना दी कैसी है मिसबा? मलिक भाई से नहीं, शाजिया जी से करवाओ। अच्छा आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी, मैं इतना डाउन हो गई थी इसी वीडियो बेबी। अच्छा तो मैं सॉफ्ट वीडियो डिलीट कर लूँ फिर उनको। सिस्टर अब आ रही है एडिटिंग करना। अच्छा अब जा रही है एडिटिंग करना है, रुक गई थी क्या वीडियो? हाँ हाँ रुक गई थी, मेरा डाटा खत्म हो गया था। अच्छा हुआ तो मैंने चेक कर लिया, नहीं तो मेरी लाइट भी जाती और तुरंत से मैं बैक होके वहीं से प्रॉब्लम है क्या सिस्टर? हाँ दीदी डाटा मोबाइल का मतलब नेट बैलेंस ही खत्म हो गया था और मैंने जैसे चेक किया मैं सोची कैसे हो गया, तुरंत से बैक हो गया सब कुछ। अल्लाह मुझे डर लग गई थी, पता है बहुत जल्दी से डर जाती हूँ। थैंक यू मेरी दी, थैंक यू विनू भाई। लगता है सब भाग गए, मेरे भाई मलिक भाई कहाँ गए? मलिक भाई हो अभी आप? मलिक भाई और सुनाइए मिनी सिस्टर मिसबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोग को, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। चांद से दूर क्यों रह सकता है भला? अच्छा अभी अभी नेट प्रॉब्लम है सिस्टर। हाँ 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 नेट प्रॉब्लम हो गई है ना मेरे में, मुझे पता है। वैसे शॉर्ट वीडियो डिलीट करने होती हैं जब चैनल मोनो कर जाए तो म्यूजिक होती है शॉर्ट वीडियो पर, तो रिज्यूम कंटेंट का जाता है सॉरी शॉर्ट वीडियो पर। अच्छा अच्छा वन सेकेंड मेरा थोड़ा सा दो मिनट। अच्छा हाँ आपने मुझे बताया था मलिक भाई, आपने मुझे बताया था कि ऐसा होता है कि रिज्यूम आ जाता है, मतलब रिकॉन्टेंट आ जाता है ना। अभी भी प्रॉब्लम है? हाँ है मिनी दी, मैं बोली हूँ सिस्टर से बैलेंस के लिए, मैं तो यही हूँ विनू भाई। हाँ आप लोग जाइएगा मत प्लीज़, आवाज़ तो आ रही है ना, प्लीज़ आप लोग जाइएगा मत। मैं चांद खाना बहुत अच्छा लगता है आपको? अच्छा चांद कहना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच।
अच्छा मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, आवाज नहीं आ रही थी। बाप रे, सुदेश सिस्टर आई थी, वेलकम सिस्टर, और राज वर्मा वेलकम, और अगले कमेंट जो पीछे निकल गए मैं सारे पढ़ चुकी हूँ। दीदी आई थी, सुदेश दीदी वेलकम, आपको भी ईद मुबारक। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, अब आने लगी है। मीनू भाई चेक कर रहे हैं कौन गया। अच्छा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आने लगी, आने लगी, आवाज़ आने लगी है। थैंक यू सो मच मेरे भाई बहन, क्या बोल रही हो, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब कमेंट आवाज़ वाला पड़ेगी तब अनम्यूट होगा। चिल्ला ओ, अच्छा चिल्ला नहीं प्यारी गुड़िया बहना, अब आ रही आवाज़। थैंक यू सो मच, जिंदाबाद मलिक भाई, जिंदाबाद। हाँ ना, मैंने म्यूट कर दिया था, बात कर रही थी तो। कबीर शुभम कैसी हैं, नशीमा कुमारी, कबीर शबनम कैसी हैं, नशीमा कुमारी बोल दिया जी, नहीं समझ पाई शबनम कैसी है जी। मैं ठीक हूँ नशीमा कुमारी, शीमा कुमारी बोल रही, ये बोल रही हैं आप, 28 आईडी वही है। मुझे खाना खाना है, मैं जाऊँ क्या? अरे बाप रे, आज अभी आप खाना नहीं खाई है, पहले ये बताओ इतना लेट क्यों खा रही हो आज आप। मेरी दी थैंक यू जी। राज वर्मा जी प्लीज़ आप लाइव को लाइक डाउन कर दीजिएगा। समझ गई समझ गई समझ गई, आपकी सीमा जी आपकी आईडी है, समझ गई। अभी हुआ नहीं खाना मिनी दी, मलिक भाई ने मुझे ठीक इन्फॉर्मेशन दी है, मैं शॉर्ट वीडियो डिलीट कर दूंगी, उनको चेक करूंगी फिर से। मैंने आज खाना नहीं खाया, भूल गई मैं हैं खाना खाना भूल गई आप, ये कैसे हो सकता है भाई। हाँ इतना लेट क्यों मिनी दी, मुझे तो लगा आप सोने जाने वाली हैं। हाँ आप तो इतना लेट खाना कभी हो ही नहीं सकता, कैसे भूल गई भाई, ये तो मुझे हंसी वाली बात है, आप भी कॉमेडी कर रही हैं आज आप। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू मिश्पा, थैंक यू। अच्छा मिनी को भूख लगी है यार, जाने दो शब्द सिस्टर। हाँ जाने दे रही हूँ मैं, बिल्कुल भूखे थोड़ी ना रखूँगी उनको, बट ये है कि वो मजे ले रही है या इतनी देर तक, सच में नहीं है मेरी दी, कुछ परेशानी तो नहीं है। हाँ मजाक कर रही है मेरी दी, मुझे भी लग रहा है। अभी याद आया कि मैंने तो खाना नहीं खाया है, ओ माय गॉड आपको याद आया है, मतलब खाना खाना आप भूल गई, ये तो आपको सोने का टाइम है मेरी दीदी जी। हमको उल्लू तो नहीं बना रही हो, रात भर जागता है उल्लू। ज़्यादा काम था मिनी दी लगता है फिर, लेकिन मिसबा काम अगर की होती तो भूख बहुत तेज और लगती, भूल भूलती ही नहीं। खा लो फिर आप मिनी दी। हाँ नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच में खाना नहीं खाया मैंने, ओ माय गॉड सही में नहीं खाई है। जाओ 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 खा लो आप, लाइव चलने देना, बीच बीच में टक 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 करते रहना, अच्छा लगेगा। बाप रे खाना खाना भूल गई आज, आज इतना बिजी थी खाना खा, मुझे लगा सच में मजाक कर रही है आज मेरी दी। साजिया कहाँ गई, इमरान भाई कहाँ गए, आप सब लोग कहाँ गए। खा लो मेरी दी, हाँ खा लो आप खाना, जाओ लो बोलो, खाना भूल जाती है कैसी लड़की है, सही है ना, खाना खाना भूल गई, मुझे लगा ऐसा हो ही नहीं सकता। जब से लोग खाना खाना कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगी थी इसलिए। अच्छा सही में मीनू भाई, हाँ थैंक यू सीमा सिस्टर। और सुनाइए आप लोग, इमरान भाई गए क्या गेहूँ काटना, सो गए, नींद आ गई आपको भी। साजिया आयशा नहीं आई आज, आयशा आज आई नहीं है एलबी में, पता नहीं क्यों। जी सुदेश सिस्टर हैं क्या एलबी में मेरे, वो आई और उसी टाइम में मेरा नेट ख़त्म हो गया, और वो फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन की थी पता है, बहुत अच्छी दीदी हैं।
आज हम सबका खाना हो गया, मिनी दी का रह गया। हाँ हाँ सही है, अब जोरों की भूख लगी है मुझे। बिल्कुल जाइए खा लीजिए, जाइए सिस्टर आप खाना खा लीजिएगा। हाँ मिस पास सही में, ओके ओके शिवा कुमारी 2268 ज्वाइन कर लीजिएगा इनको भी, इनका भी लाइव रहता है, वीडियोस भी आती हैं, अच्छा चैनल है इनका, मैं इनको देखती हूँ, ज्वाइन की हूँ मैं। सीमा सिस्टर को भी सपोर्ट करिएगा। अरे छोटी गुड़िया गिर जाएगी, जल्दी जा मिनी दी वापिस आना, मिसबा बुला रही है मीनाक्षी दी वापिस आना। अच्छा बोले हैं वीनू भाई, बहुत मजे की बात बोले हैं। थैंक यू सबनम जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू की बात नहीं, हम एक दूसरे के सपोर्ट में ही रहते हैं सिस्टर। आज आयशा लाइव में नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई है मुझे। साजिया देख रही हूँ तो थोड़ी आयशा को लाइव के लिए अलर्ट कर दो प्लीज साजिया। और सुनाइए, थैंक यू विनु भाई, थैंक यू सो मच। आज पता नहीं मेरे सपोर्टर कहाँ गए, आज रोजी भी लगता है सो गई क्या, रोजी भी नहीं आई आज, एक बार भी नहीं आई है रोजी। मिसबा गई, थैंक यू विनु भाई। साजिया मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच विनू भाई, नेट प्रॉब्लम हो जाता है पता नहीं क्यों मेरे में। पता नहीं सिस्टर क्या प्रॉब्लम है, यही हूँ अभी। अच्छा हाँ थोड़ा बहुत है, बाकी इतना चलता है सिस्टर, सीमा सिस्टर इतना चलता है। थैंक यू मिस पा, मिस बा प्रेजेंट है। मेरा ना आज दिमाग काम सा नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
जी विनु भाई, थैंक यू विनु भाई, थैंक यू मिस्का। थैंक यू सो मच। क्या हो गया आपकी? अरे नेट प्रॉब्लम कर दिया सब लोग, इतने सारे लोग एलबी में थे, पता नहीं सब कहाँ चले गए, जल्दी जल्दी से हट गए। आज लग रहा था लोग ईद मना रहे हैं बैठ के। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ पूछनी है। हाँ मिसबा बोलो सिस्टर, पूछो बताओ। वेलकम विनू भाई, वेलकम। पूछो मिसबा, प्लीज़ कंटिन्यू कमेंट करते रहिएगा, शायद आप लोग की वजह से कुछ बेहतर हो जाए। साजिया मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, साजिया थैंक यू विनू भाई, थैंक यू। ईद कैसी गई आपकी? जी ठीक, ईद ठीक थी। आप बताइए आपका खाना हो गया? घर में सब ठीक है आपके? सीमा सिस्टर ये वीक में कुछ भी काम करने से पहले या ये कुछ भी चीज़ करने से पहले डर लग रहा है, क्यों मिसवा? क्यों इस वीक में? क्यों यार, सिर्फ मेरे साथ हो रहा है क्या? क्यों मिसवा, क्यों डर लग रही है? डरो मत, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के नाम लेके और हर काम करो। सब ठीक है जी सिस्टर, सब ठीक है, ठीक है। थोड़ा घर में दुख था ना, मेरी मतलब एक मौसी है ना, वो एक्सपायर हो गई थी, तो दुख भी था। ठीक थी इसीलिए बोली ना, पता नहीं अंदर से बहुत डर लग रहा है। डरो मत, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। क्यों डर मिश्रा? पता नहीं बात करने से भी डर लग रहा है। क्यों मिश्रा, क्यों डर रही है सिस्टर? डरो मत, मुझे भी नहीं डराना, मैं बहुत डरती हूँ। अकेले कहीं जाना हो तब भी डर लगता है। हाँ तो अंदर से कहीं मत जाना, अकेले नहीं जाना, बाकी डरना नहीं है, स्ट्रांग हो ना। और सुनाइए सीमा जी, विनू भाई गए क्या? विनू भाई भी लगता है बिना बताए चले गए। हेलो शबनम, कैसी हो? वेलकम सुमन दी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? खाना हो गया? ईद मुबारक सुमन दी। डर नहीं रखना, हाँ सही बात है, डर क्यों रखना है? डर वर नहीं रखते। सुमन दी खाना हो गया आपका? थैंक यू सीमा सिस्टर। जी वीनू भाई, डरना नहीं सिस्टर, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आप डिनर हो गया दी? जी राजेंद्र भाई मोस्ट वेलकम, कैसे हो? मेरा डिनर हो गया है, कॉन्फिडेंस रखो मिसबा। हाँ, सही है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, सबको जो जो मुझे देख रहे हैं सबको ईद मुबारक की बड़ी वाली मुबारकबाद। मैं बढ़िया हूँ, आपका खाना हो गया?
जी विनू भाई, थैंक यू, कोशिश करूंगी। हाँ मिसबा, तुमने भी ईद मुबारक हो। एक बात पूछनी थी कि मेरी सभी लाइव प्राइवेट हो जाती है, क्या करूं? आप पब्लिक करोगे तब उसमें पहले ना और सेटिंग करो लाइव में दी। आप पहले पब्लिक ऑप्शन में सेटिंग करो, पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। पब्लिक का ऑप्शन आता है उसमें आप सेट कर दो एक बार, तो वो पब्लिक ही रहेंगी जब भी आप करेंगी तो। समझ गई सुमंदी? लेकिन मैं आपके चैनल में आपकी लाइव देखती हूँ तो मुझे शो होती है, मैं चेक कर लेती हूँ। तो और पता है सुमंदी, अगर वो पब्लिक से प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर उसका वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा। थैंक यू विनु भाई, प्लीज जो जो लाइव में है प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए, प्लीज प्लीज कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू विनु भाई, पब्लिक करने के बाद भी लास्ट में एंड होने पर प्राइवेट हो जाता है। आप डन ऑप्शन में क्लिक करती हैं जब डन का ऑप्शन आता है लास्ट में। हाँ विनु भाई पता है, बचपन से बस अकेले रही, किसी के साथ आना जाना मना करते थे थोड़ा, अब ऐसे सब सिचुएशन बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ ये बोल सकती हूँ मिसबा, ये सही बोला तुमने, यही आदत है। हाँ डन करती हूँ फिर। दीदी आप पता है बड़े यूट्यूबर की लाइव में जाके देखिए, लाइव वाली वीडियो देखिएगा, जरूर देखना सुमंदी आप, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। थैंक यू सीमा सिस्टर दी, वीडियो अपलोड करने के बाद प्रीमियम ऑप्शन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल से शेड्यूल में रखा है, वीडियो अपलोड कर दिया हूँ 31। नहीं पता इसके बारे में मेरे को राजेंद्र भाई, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। होगा तो नहीं बाकी कुछ, मुझे ऐसा लगता है होगा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस रखो और होता कुछ नहीं है। लोग एक बार ना जब भी कुछ छेड़खानी हुए, कुछ हमसे कुछ लगे, तो तुरंत ना आप वही चीज़ बोल के यूट्यूब में सर्च कर लो, तुरंत आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले नहीं होती थी बस अब हो रही जाती है। पता नहीं दीदी, मैं चेक करूँगी आपकी बाकी आपकी मुझे जैसे 14 घंटा 15 घंटा पहले वाली तो लाइफ शो होती है मुझे। आप ये बताओ कि आप जब दूसरे मोबाइल से चेक करना, उस मोबाइल में अगर वीडियो जा रही है तो फिर जाएगी वो तो पब्लिक आपने कर दिया है। ओके हाँ भाई जरूर राजेंद्र भाई, आप ना एक बार देखा करिए वीडियो। थैंक यू मिस माँ, पता नहीं आजकल यूट्यूब में बहुत दिक्कत हो गई है, पता है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब में। डर दूर करके पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सही बोला वीनू भाई ने, डर को दूर करो पॉजिटिविटी लाओ मिश्वा। और सुनाइए सुमंदी, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, आप एक बार देखिएगा। जी थैंक यू सो मच विनू भाई। हाँ विनू भाई मिसबा को बहुत अच्छा समझाते हैं, सच में बहुत अच्छे से मिसबा को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है विनू भाई की बातें। थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन का आंसर जरूर आप दीजिए मुझे, जैसे मैं वीडियो एडिट करता और म्यूजिक से कैसे कैसे कॉपीराइट आ सकते हैं? अगर आप म्यूजिक कहीं और से लेंगे तो कॉपीराइट आएगा। म्यूजिक आपको लेना है
तो यूट्यूब स्टूडियो में ही मिलेगा। आप क्रोम ब्राउजर में जाके अपनी आईडी खोलिएगा, आपको जब आपका चैनल वहाँ पे ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आप ना जाके देखिएगा, आपको यूट्यूब से म्यूज़िक मिलेगी, नो कॉपीराइट। तो वहाँ पे बहुत म्यूज़िक पड़ी है, बहुत, आपको जो अच्छी लगे सुनिएगा और फिर आप म्यूज़िक उसको वहीं पे डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके फाइल में आ जाएगी, तुरंत से सेव हो जाती है। और एक बार आप इस चीज़ के को लेके भी कि हम यूट्यूब से म्यूज़िक कैसे डाउनलोड करें नो कॉपीराइट, ये आप सर्च करना आ जाएगा, मैंने वहीं से सीखा था। साथ साथ की नहीं शो नहीं होती है, 24 घंटे के बाद होती है, साथ की साथ नहीं होती शो, होती 24 घंटे के बाद होती है। अच्छा, 24 घंटे के बाद है, मतलब आपके फिर चैनल में कोई प्रॉब्लम होगी थी, पता है, चैनल देखिएगा किसी का, जो प्रॉब्लम लग रही हो वही बोल के कीजिएगा। वेलकम मिसबा। मेरी नज़र न लगे, कितनी सुंदर लग रही, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू आरती, वेलकम, कब से इंतज़ार कर रही थी आरती। सच में मीनू भाई बहुत अच्छे से समझाते हैं, हाँ बहुत अच्छे से समझाते हैं, मुझे उनकी भी समझ बहुत अच्छी लगती है। हिम्मत चाहिए होती है तब कुछ लोग हमें पास होते हैं, उनमें से मीनू भाई आप मिनी दी ही अली भाई हैं। बिल्कुल सही भाई है, सभी हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें पता होगा इसलिए पूछा, मैंने यूट्यूब पर भी सर्च करा है। तो क्या मिला हो यूट्यूब में आपने सर्च किया तो? शावन, हाय शावन, बहुत दिन के बाद आए शावन, कैसे हो बताओ शावन। पर सेम वही बता रहे हैं जो मुझे आता है। नहीं, आपको देखना होगा और एक वीडियो दो वीडियो से सोचे दीदी सॉल्यूशन मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँ हमेशा। टैग चैनल में एक दो वीडियो से सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जो बोल रही ना कि 24 घंटे के बाद, तो आप वो वर्ड बोलिए वहाँ पे यूट्यूब माइक में कि 24 घंटे के बाद वीडियो ऐसे ऐसे क्यों होती है, वो वर्ड बोल के आप वहाँ से सॉल्यूशन निकालो दीदी। मेरे प्यारे बीनू भाई, 10-10 सेकेंड के म्यूज़िक 1 मिनट की वीडियो में है तो प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने यूट्यूब से डाउनलोड नहीं किया है। नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम इसलिए होगी, कॉपीराइट क्लेम कभी भी आ सकता है। बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर यही बोलते हैं कि आप कभी भी उनकी नज़र में, क्या होता है बड़े बड़े यूट्यूबर गलती करते रहते हैं, वो उनकी नज़रों में नहीं रहते हैं, ठीक, उनका, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, छोटे यूट्यूबर ना पकड़ जाते हैं जल्दी से। तो एक काम करना आप निकाल लो ना म्यूज़िक, बहुत जल्दी से ईजिली डाउनलोड हो जाएगा और बहुत जल्दी से आप सीख जाओगे, निकाल भी लोगे तो वहीं से ले लो ना, क्या मतलब टेंशन और हेडअप क्यों पालेंगे बताओ, हम टेंशन में नहीं रहना चाहते हैं राजेंद्र भाई। थैंक यू मिसबा। ओके, हाँ मैं देखो, मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है कुछ भी बोलने से, लेकिन ये बोल सकती हूँ कि जो मैंने, मेरे में भी आ गया था ना कॉपी राइटिंग का, मेरे में भी आ गया था, इसलिए मुझे बहुत डर लगती है इन चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ें होने के बाद ना हमें कोई वहाँ से निकालने वाला नहीं होता है फिर। थैंक यू सो मच प्यारी बहना, मिसबा खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ, आमीन सुमा, आमीन, खुश रहे। राजेंद्र भाई आप एक बार वीडियो देखना, आपको सब समझ आएगा। और आप ना, मैं बता रही हूँ मैं किसका, मैं मनोज दे का देखी थी, राजेंद्र भाई वो अभी आप, और सुमन दीदी आप भी मनोज दे को देखना, मनोज दे का बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छे समझाते हैं। मिसबा भाई मैंने भी यूट्यूब ऑडियो से म्यूज़िक डाउनलोड करना सीखी। हाँ, वहाँ पे अच्छी म्यूज़िक आप सुनते जाओ, आपको पता चल जाएंगी। वहाँ पे ना ऑप्शन रहता है, आपको सैड चाहिए, हैप्पी चाहिए, आपको किस टाइप की म्यूज़िक चाहिए, वहाँ पे ऑप्शन रहता है, उसमें ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी आ जाएंगी, आप उसी में क्लिक करके उसको डाउनलोड कर दें। और जिसमें CC लिखा होगा, CC दो बार, उसे बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना, उसमें भी कभी ना कभी कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। मुझे भी पहले मैं कर लेती थी, लेकिन बाद में फिर मैंने 2-3 बार यूट्यूब देखा कि उसके बाद भी तो कुछ नहीं होता, तो फिर उन्होंने बताया कि जिसमें CC लिखा रहता है उसको मत करना। थैंक यू सो मच, वेलकम मिसबा। बहुत यूट्यूब में बहुत झिकझिक है, पता है, अब बहुत ज़्यादा यूट्यूब ने इतने रूल्स कड़े कर दिए, अब तो और भी रूल्स कड़े कड़े आ रहे हैं।
वो मिसबा ने नहीं पूछा है दी, वो पता है किसने पूछा है, उसने राजेंद्र भाई ने पूछा, ये हिट द रोड वाले जो चैनल से हो रहा है ना, उन्होंने पूछा है, मिसबा सिस्टर है दी। मेरे एक चैनल डिलीट हो चुका है, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, ईमेल भी सेंड किया यूट्यूब ने, था 72 62 ID था, डिलीट हो गया दी। अच्छा आपका चैनल भी डिलीट हो, इसीलिए फुक फुक कर कदम रखना भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं जानता हमसे कब क्या गलती हो जाए और कौन सी गलती कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी ये तो बिल्कुल नहीं पता है। पहले मेरे भी एक दो वीडियो में कॉपीराइट आ चुका है। अच्छा तो आपने फिर उन वीडियो को रखा हुआ है क्या कॉपीराइट वाली? जी हाँ दीदी, वो वीडियो डिलीट कर दीजिएगा। नहीं डिलीट कर दिया। अच्छा डिलीट कर दिए हैं, हाँ तब ठीक किए हैं। इसके बारे में मुझे पता है, अब कॉपीराइट का एक प्रॉब्लम नहीं तो सुमन जी के लिए वैसे दी, उसके बारे में मुझे पता है, अब कॉपीराइट का एक प्रॉब्लम है तो सुमन जी के लिए मैसेज। जी बताइए, मिसबा गई सिस्टर है, मिसबा है, थैंक यू मिसबा। मिसबा कंटिन्यू थोड़ा मैसेज करती रहना बहन, कुछ भी टाइप कर दे मिसबा, कुछ भी टाइप करके भेजती रहना बहन फटाफट से। वीरू भाई नहीं है लगता है क्या? बताना कौन कौन है। ओके बाय सिस्टर एंड मिस बा, सुबह 4 बजे उठना है पड़ेगा इसलिए अल्लाह हाफिज़ सबा सिस्टर एंड मिस बा। ओके ओके बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा वीनू भाई, हाँ वीनू भाई को 4 बजे उठना है, 4 बजे बहुत ज़्यादा लगता है भाई, जो उठता है वही जानता होगा। अगर फर्स्ट कॉपीराइट अगर आता है तो आपके नेक्स्ट कॉपीराइट नहीं होना चाहिए 90 दिन तक, हाँ उसका रूल्स होता है 90 डेज का। अल्लाह हाफिज़ बीनू भाई, ख्याल रखना अपना, हाँ बीनू भाई अपना भी रखना, बच्चों का भी रखना, सबका रखना। ओके बाय, गुड नाइट सपना। ओके दी, ओके गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट दी। ठीक है मैं अभी अब लाइव अपनी यहीं पे बंद कर रही हूँ, आज सबने मुझे ज्वाइन नहीं किया काफ़ी लोगों ने, क्योंकि आज सब ईद मना रहे होंगे, कोई बात नहीं सबका त्यौहार है, वो गाना ही बना है ना। चलो मिसबा सिस्टर मुझे इजाज़त दो है ना, बीनू भाई बाय बाय मिसबा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। जो लाइव में न्यू है राजेंद्र भाई आप लाइव डन कर दीजिएगा ना किए हो तो, और मैं अब रख रही हूँ लाइव अपनी, बंद कर रही हूँ मीन्स, ठीक है। थैंक यू सो मच बाय। हाँ लाइव डन कर दीजिएगा, मुझे लगता है हिट द भाई रोड वाले भाई ने लाइव डन नहीं किया है, ठीक है चलो कर दो लाइव डन जल्दी से, नहीं किए हो तो, और कर दिए तो कोई बात। अल्लाह हाफिज़ सबा सिस्टर, अल्लाह हाफिज़, बाय, अपना ख्याल रखना वीनू भाई, मिसबा अपना ख्याल रखना, बाय बाय राजेंद्र भाई, सभी को बाय बाय, जो भी हैं और भी लोग मेरे लाइफ में सबको बाय बाय।